आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ आपको टाइप करना है RTPS, उसके बाद serviceonline.bihar.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे, या नीचे आएंगे, यहाँ आई प्रमाण पत्र का निर्गमन इस पर क्लिक करेंगे, या अंचल स्तर पर चूज करेंगे। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ अपना नाम डालेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, या फादर का नेम, या मदर का नेम, या हस्बैंड का नेम, शादी अगर हो गया है तो हस्बैंड के नाम फिल करेंगे, या एक मोबाइल नंबर। ये सब फिल करने के बाद आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सब डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से वार्ड नंबर फिल करेंगे, या ग्राम पंचायत ये चूज़ कर लेंगे, पंचायत से अगर आप है तो। उसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत का नाम फिल करेंगे, यहाँ विलेज डालेंगे, या पोस्ट ऑफिस चूज़ करेंगे, यहाँ से पुलिस स्टेशन डालेंगे जो भी आपका पुलिस स्टेशन है, यहाँ पिन कोड, यहाँ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोफेशन चूज़ करेंगे, आप काम क्या करते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट चूज़ करेंगे। उसके यहाँ उद्देश्य डालेंगे, किस काम के लिए ये इनकम बनाना चाहते हैं आप। उसके बाद सरकारी से कितना आई है, कृषि से कितना आई है वो यहाँ फिल करेंगे, बिजनेस से कितना है, अदर सोर्स से कितना है वो यहाँ डाल करके कुल यहाँ टोटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ एग्री किया हुआ है ये कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका हिंदी में नाम ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप गूगल इनपुट टूल की मदद से नाम लिख सकते हैं। यहाँ आप लैपटॉप में अपना प्रेस करेंगे, गूगल इनपुट टूल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ गूगल इनपुट टूल्स इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्राई इट आउट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ इंग्लिश चूज़ किया हुआ है तो यहाँ से हम हिंदी ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो हिंदी में भी आएगा, तो आपका यहाँ जो भी ठीक लग रहा है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ लाएंगे, यहाँ ला करके इसको हम इसे पेस्ट कर देंगे, यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ला के छोड़ेगा, एक बार आप यहाँ से इसको मिला लेंगे, देख लेंगे आप ठीक ठाक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे, आप क्या चीज़ देना चाहते हैं, हम आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इस चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जिस फाइल में भी रखा हुआ है वहाँ उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे, आधार आ जाएगा, सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक बार बढ़िया से फिर दोबारा हम देख लेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका ये रिसीविंग हो गया है, ये रिसीविंग तैयार है। चाहे तो आप इसको एक्सपोर्ट टू PDF करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर कस्टमर अगर है तो उसको प्रिंट करके यहीं से दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।